हेलो फ्रेंड्स, मैं मेगा कंसल्ट टैरो कार्ड रीडर एंड स्पिरिचुअल हीलर आज आप सभी के सामने फिर से एक एस्ट्रोलॉजी की वीडियो लेकर आई हूँ। आज की वीडियो भी बड़ी मज़ेदार है और आज भी आप सभी कुछ ना कुछ जरूर सीख कर जाएंगे। अगर आप कुछ सीख कर जाएं तो मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और इसे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और लोग भी इस इन्फॉर्मेशन को जान सके। तो फ्रेंड्स, आज मैं जिस राशि के बारे में बात करने वाली हूँ, दैट इज जेमिनी। तो मैं जेमिनी राशि के बारे में आपको थोड़ा कुछ बताने वाली हूँ। थर्ड नंबर की इसको राशि को थर्ड नंबर का माना जाता है। ये जो राशि हमारी होती है ये बहुत ही ज़्यादा वर्सटाइल होती है। ऐसे लोग, जिन लोगों की जेमिनी राशि होती है, ऐसे लोग बहुत ही कम्युनिकेटिव होते हैं, लिबरल होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, मेंटली ऐसे लोग बहुत एक्टिव होते हैं। एंड साथ ही साथ ऐसे लोगों की जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं वो भी बहुत हाई होती हैं। तो आज की हम इस वीडियो के माध्यम से ये जानेंगे कि व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति किस टाइप की उसको बातें करना पसंद होगा। ये हम सिर्फ चार्ट के माध्यम से, उसके एस्ट्रोलॉजिकली चार्ट के माध्यम से बता सकते हैं कि जो व्यक्ति है वो किस टाइप की बातें करना उसको पसंद होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंड्स, अगर थर्ड थ्री नंबर व्यक्ति की, मैं यहाँ पर लगन की बात कर रही हूँ, अगर थ्री नंबर व्यक्ति के फर्स्ट हाउस में है, तो जो ऐसा व्यक्ति होता है उसे आप देखेंगे अपने बारे में बात करना बहुत अच्छा लगता है। उसको अपने आप, मतलब जब भी वो किसी से कम्युनिकेट करता है, अपने फ्रेंड से या अपनी मम्मी से या अपने पापा से, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने बारे में बात करना उसको अच्छा लगता है। मैं ये कर लूँ, मैं ये पहन लूँ, मैं ये खा लूँ, मुझे ये करना है, मुझे ऐसे आगे बढ़ना है, मेरे बच्चे, मेरा ये, तो वो अपने बारे में, अपनी ही चीज़ों से रिलेटेड कम्युनिकेट करता है। और जो वो कम्युनिकेट करता है किसी भी व्यक्ति से, तो वो अपने आप के जो खुद से रिलेटेड टॉपिक होता है उसको ज़्यादा लेकर आता है। साथ ही साथ जो ऐसे लोग होते हैं उनको खुद से भी बात करना बहुत अच्छा लगता है। जब वो किसी उलझन में होते हैं तो ऐसे लोग खुद से भी बात करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, अगर थर्ड नंबर की राशि किसी व्यक्ति की लगन में सेकेंड हाउस में गिरती है, तो फ्रेंड्स ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि उन लोगों को खाने के बारे में बात करना बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो फूड के बारे में, अरे वो वहाँ पे जाओ, वहाँ पे खाना बड़ा अच्छा मिलता है, उसका खाना ट्राई करो, वो खाना बड़ा अच्छा होता है, या फिर मैं वहाँ गया था तो मैंने वहाँ की वो चीज़ खाई थी, तो ऐसे लोग जो होते हैं ना वो फूड के बारे में बात करते हैं। या फिर ऐसे लोग अपनी फैमिली के बारे में, फैमिली बोले तो जो उनके हस्बैंड, वाइफ और बच्चे, बस अपनी फैमिली के बारे में वो डिस्कस करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। और ऐसे लोगों को अपनी फैमिली से कम्युनिकेट करना बहुत अच्छा लगता है। साथ ही साथ ऐसे लोगों को ऐसा भी देखा जाता है कि वो लोग ज्वेलरी से रिलेटेड बातें करते हैं कि मेरी ज्वेलरी ऐसी होगी, या मैंने ऐसी ज्वेलरी खरीदी है, मैंने इतना ज्वेलरी पे पैसा लगाया है, ये ज्वेलरी मैं इतनी महंगी लेकर आई हूँ। या ऐसे लोग मनी, पैसे से रिलेटेड बात करते हैं, मनी से रिलेटेड, कि मैंने इतना पैसा कमाया या उसमें इतना पैसा मैंने जोड़ा। और जो लास्ट है वो है बैंकिंग, बैंक से रिलेटेड उन लोगों का टॉपिक हो सकता है कि वो बैंक्स के बारे में उनको बात करना अच्छा लगता होगा, कि इस बैंक की एफडी, इस बैंक का लोन। तो ये सारी चीज़ें जब वो कम्युनिकेट करते हैं तो ये सारी चीज़ें उनकी बातों में आपको दिख सकती हैं, झलक सकती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे, जब थर्ड नंबर की राशि थर्ड हाउस में आती है, तो फ्रेंड्स ऐसे लोगों को मैंने देखा है उनका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही अच्छा होता है। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होने के साथ साथ ऐसे लोग अपने छोटे भाई बहन से कम्युनिकेट करने में उन लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे लोग जो अपने छोटे भाई बहन से कम्युनिकेट करते हैं तो उन्हें बड़ी खुशी मिलती है। ऐसे लोग सोशल मीडिया के बारे में बहुत बात करते हैं और इंटरनेट से रिलेटेड काफ़ी बातें करना उनको अच्छा लगता है। और जब वो कम्युनिकेशन किसी से भी करते हैं, अरे मेरी FB की ID पे किसी ने इतने लाइक कर दिए, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोअर्स हो गए, इस टाइप की बातें करना उनको बहुत अच्छा लगता है। या वो जब कम्युनिकेट किसी से करते हैं तो वो इन सारी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा बोलते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, अगर थर्ड नंबर की राशि फोर्थ हाउस में आती है, तो ऐसे लोगों का जो मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है, ऐसे लोगों को अपने
डोमेस्टिक उनका जो एटमॉस्फेयर है घर का, ऐसी बातें करना, अपने पीस ऑफ माइंड की बातें करना, अपनी प्रॉपर्टी के बारे में बात करना, अपने व्हीकल्स के बारे में बात करना उनको बड़ा अच्छा लगता है। और वो ऐसे लोग ना अपने घर में ही किसी ना किसी से कम्युनिकेट करते रहते हैं। घर के अंदर जो भी लोग हैं, अगर जॉइंट फैमिली है तो घर के अंदर कोई भी होगा उसी को पकड़ के बैठ जाएंगे और उसी से कम्युनिकेट करने लगेंगे और उसी को बड़ा इंजॉय करेंगे। ऐसे लोगों की ये फितरत होती है। इसके बाद हम बात करते हैं अगर थर्ड नंबर की राशि फिफ्थ हाउस में आती है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो ऐसे लोग होते हैं ना, आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि वो जो चीज़ सीख रहे होते हैं अपने जीवन में, जो चीज़ वो लर्न कर रहे होते हैं, वो उसके बारे में अपने फ्रेंड्स से कम्युनिकेट करेंगे उसी टॉपिक से रिलेटेड, या फिर उनका जो कम्युनिकेशन का टॉपिक होगा वो एस्ट्रोलॉजी भी हो सकता है, या फिर उनका जो कम्युनिकेशन का टॉपिक हो सकता है उनके बच्चे हो सकता है, कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के बारे में ही बात करेंगे। आप देखेंगे कि जब भी आपने ऐसे व्यक्ति को फ़ोन किया है, हाय मेरे बच्चे ने मुझे ऐसे कर दिया, मेरे बच्चे ने मुझे ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, वो बच्चे के बारे में ही बात करेंगे या एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करेंगे, या फिर वो अपने लव एंड अफेयर्स के बारे में ही बात करेंगे। यार उसने मुझे धोखा दे दिया, उसने मुझे डिच कर दिया, मैंने उसके साथ अफेयर किया था। तो ऐसे लोग जिनका जिनके साथ आप कम्युनिकेट करेंगे ना, तो आपको यही टॉपिक मिलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। इसके बाद जिसका थर्ड नंबर सिक्स्थ हाउस में आके गिरता है, तो आप ऐसे लोगों को देखेंगे कि उन लोगों को जैसे जिम से रिलेटेड है, योगा से रिलेटेड है, या फिर आप कह लीजिए जॉब से रिलेटेड है, या उनकी बीमारियों से रिलेटेड है, वो ऐसी ही बात करेंगे। जो ज़्यादा से ज़्यादा उनका कम्युनिकेशन होगा ना, या तो अपनी जॉब के बारे में होगा, यार जॉब में ऐसा हो गया, यार जॉब में वैसा हो गया, या फिर अपनी बीमारी को लेकर, यार मुझे वैसी बीमारी हो गई, पहले ये थी अब ये लग गई। तो उनका जो मेन टॉपिक होगा ना, वो या तो जॉब होगा या बिजनेस होगा। इसके बाद फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं, जब थर्ड नंबर की राशि यहाँ सेवेंथ हाउस में आ जाती है, तो मैंने ऑब्जर्व किया है ऐसे लोगों को अपनी वाइफ से कम्युनिकेट करना बहुत अच्छा लगता है, या फिर अपने पार्टनर्स के साथ कम्युनिकेट करना बड़ा अच्छा लगता है, या फिर ऐसे लोग जब बात करते हैं ना किसी सेकंड पर्सन से, तो या तो वो बिजनेस के बारे में बात करेंगे कि जी बिजनेस में तो बड़ा फायदा है, बिजनेस में बिजनेस ये, बिजनेस वो, बिजनेस ये, वो बिजनेस के बारे में ही बात करेंगे, या फिर वो सिर्फ और सिर्फ अपनी वाइफ के बारे में बात करेंगे। वो तो डिपेंड करता है कि वाइफ के बारे में अच्छी बात करेंगे या बुरी बात करेंगे, कि वाइफ कैसी है और उनका एक दूसरे के प्रति रिलेशन कैसा है। तो ये जो थ्री नंबर यहाँ पर आता है सेवन्थ हाउस में, तो ये वाइफ के साथ कम्युनिकेशन भी देता है, और साथ में जब आप किसी और व्यक्ति से भी कम्युनिकेट करेंगे तो ये इन फैक्टर्स को बीच में लेकर आता है। इसके बाद हम बात करेंगे जब थ्री नंबर एट्थ हाउस में होता है फ्रेंड्स, तो आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि जो ऐसे लोग होते हैं ना, वो किसी भी चीज़ की डीप रूट में जाना पसंद करते हैं। उनको बाल की खाल निकालने में बड़ा मज़ा आता है, या ऐसे व्यक्ति को ना टेक्निकली जो बातें होती हैं, कि टेक्निकल बातें जो होती है ना, कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, या टेक्नोलॉजी क्या कर रही है, या टेक्निकल जो भी वर्क होते हैं, तो वैसा काम इनको बोलने में, कम्युनिकेशन करने में बड़ा मज़ा आता है। और ऐसे लोगों को अपने इन-लॉज के साथ कम्युनिकेट करने में भी मज़ा आता है, इन-लॉज में कोई भी हो, और जब भी अपने इन-लॉज से बात करेंगे एकदम मस्त होके, इनको बड़ा मज़ा आएगा अपने इन-लॉज के साथ कम्युनिकेट करने में। या फिर आप ऐसे लोगों को ये देखेंगे कि वो अपना दुखड़ा ही रोते रहेंगे किसी के आगे, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, अपने पेन, अपने मिसफॉर्च्यून की ही बात करते रहेंगे, अपने ऑब्स्टेकल्स की ही बात करते रहेंगे। जब आप ऑब्जर्व करेंगे ना, जब आप चार्ट्स देखेंगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि व्यक्ति इसी बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर थर्ड नंबर की राशि नाइन्थ हाउस में आती है फ्रेंड, तो जब ऐसा व्यक्ति बात करता है, तो आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति या तो रिलीजन के बारे में बात करेगा, कल्चर के बारे में बात करेगा, या अपने फादर के बारे में बात करेगा, लक के बारे में बात करेगा कि भाई ये तो सब भाग्य का खेल है, ये तो सब भाग्य की वजह से हो, अरे मुझे तो ये मिला है मेरे भाग्य की वजह से मिला है। या फिर वो ऐसा व्यक्ति ट्रेवल के बारे में बात करेगा, उसको ट्रेवल के बारे में आप देखेंगे कि जब वो आपसे कम्युनिकेट कर रहा होगा ना, तो वो ट्रेवल से रिलेटेड
उसके बारे में बात कर रहा होगा, ऐसे व्यक्ति को अपने गुरु से कम्युनिकेट करना, अपने फादर से कम्युनिकेट करने में बड़ा मज़ा आता है। और ऐसे लोग जो होते हैं ना, मैंने अक्सर देखा है कि आप उन्हें फ़ोन मिलाएंगे कुछ बात करने के लिए और वो आपको काउंसलिंग देना शुरू कर देंगे। तो ऐसे लोग आपको काउंसलिंग भी बहुत देंगे बिना मतलब के। अब हम बात कर लेते हैं अगर थर्ड नंबर की राशि 10th हाउस में आती है, तो फ्रेंड्स ऐसे लोग जो होते हैं वो या तो गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं या फिर ब्रांड्स के बारे में बात करते हैं, मैंने इस ब्रांड का जूता खरीदा, मैंने इस ब्रांड की जैकेट खरीदी, या ऐसे लोग पॉलिटिक्स के बारे में बहुत बात करेंगे, फेम के बारे में बात करेंगे, अपने स्टेटस के बारे में बात करेंगे, या फिर अपने काम, जो भी उनका प्रोफेशन है, जो भी उनका वर्क है, जो वो काम करते हैं, वो उससे रिलेटेड कम्युनिकेट करना में बहुत खुश होंगे। और वैसी कम्युनिकेशन उनकी जो बातों में आपको देखने को मिलेगी वो इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड मिलेगी, कि या तो वो ब्रांड 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 करेंगे या फिर पॉलिटिक्स या फिर गवर्नमेंट, बस ऐसा यही टॉपिक होगा उन लोग के पास। नेक्स्ट आते हैं, अगर थर्ड नंबर की राशि 11th हाउस में आती है फ्रेंड्स, तो जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, हम सभी जानते हैं 11th हाउस हमारी इच्छा पूर्ति का हाउस है, तो आपको जान के हैरानी होगी इस व्यक्ति ने अपने जीवन में जो भी अपनी विशेष को मैनिफेस्ट किया होगा ना, इसकी जो भी इच्छाएं पूर्ति हुई होंगी, ये जब लोगों से कम्युनिकेट करेगा तो सिर्फ उन्हीं बारों में कम्युनिकेट करेगा कि जी मैं तो, अगर किसी व्यक्ति की इच्छा थी कि मुझे अमिताभ जी से मिलना और वो अमिताभ जी से मिल गया, तो वो किसी से भी बात करेगा वो ये बात जरूर लेकर आएगा, मैं तो अमिताभ जी से मिला था, मैंने तो, अगर उस व्यक्ति का ड्रीम था फॉरेन कंट्री में जाना, तो वो जिस किसी से भी बात करेगा वो आपके मुंह से बस वही चीज़ सुनने को मिलेगी, मैं तो फॉरेन कंट्री गया था, क्योंकि उसकी जो विश मैनिफेस्ट हुई होगी वो उसी के रिगार्डिंग अपनी कम्युनिकेशन में लोगों से वही बात करेगा। और साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति अपने दोस्तों से बात करने में उसको बड़ा मज़ा आता होगा, अपने दोस्तों के साथ, या फिर अपने बड़े भाई बहन से बात करने में उसको बड़ा मज़ा आता होगा, या फिर बड़े भाई बहन के बारे में लोगों से बात करने में बड़ा मज़ा आता होगा कि मेरे बड़े भाई तो ऐसे करते थे, मेरी बहन तो ऐसे करती थी, या फिर कोई भी फनी चीज़ इस टाइप की। इसके बाद लास्ट टॉपिक जो हमारा आता है कि जब थर्ड राशि 12th हाउस में आती है, तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों का जो कम्युनिकेशन का टॉपिक होता है वो खर्चे को लेकर होगा या इन्वेस्टमेंट को लेकर होगा, कि भैया मेरा तो इतना खर्च हो गया, मेरा तो इतना पैसा डूब गया, मेरा तो इतना खर्चा होता है डेली बेसिस पे, या फिर मुझे फॉरेन जाना है, मुझे फॉरेन सेटल होना है, या फिर इन्वेस्टमेंट, कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है तो किस में इन्वेस्ट करूँ, क्या ठीक रहेगा। तो फ्रेंड्स ये एस्ट्रोलॉजी ना एक बहुत ही मैजिकल साइंस है, जो कि व्यक्ति के चार्ट से वी कैन प्रेडिक्ट एनीथिंग। अब जब मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं, जब आप किसी भी व्यक्ति का चार्ट लगाएंगे, जैसे कि लेट सपोज यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आपने यहाँ पर चार्ट लगाया, ठीक है, अब आपको समझ आ गया भाई ये जो व्यक्ति है ना, इसको, इसके साथ अगर मैं कोर, किसी भी चीज़ की एकदम कोर तह तक जाने की बात करूँगा ना, इस व्यक्ति को बड़ा मज़ा आएगा, या फिर अगर मैं कोई टेक्निकल फील्ड के बारे में बात करूँगा ये व्यक्ति बड़ा इन्जॉय करेगा। तो अगर आप वैसी बात करेंगे फ्रेंड्स, तो आप उस व्यक्ति का दिल जीत लेंगे, क्योंकि आपने वैसी बात करी जो उसे पसंद है, जो उससे वो कम्युनिकेट हो करना चाहता था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये तो एक बहुत ही छोटी सी टिप है जिसके थ्रू आप सामने वाले को इम्प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि आप वो बात कर रहे हैं जो, जिस बात में उसको इंटरेस्ट है और जो बात वो करना चाहता है। आशा करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप और भी इसी तरीके की एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड और वीडियो पाना चाहते हैं, तो मुझे ज़रूर कमेंट करिए, मेरे FB के पेज को लाइक करिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे से जुड़े रहिए, ताकि मैं ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस अपडेट करती रहूं और आप लोगों के साथ जुड़ी रहूं। थैंक यू फ्रेंड्स।